सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन, इस वक्त हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि बरतानिया में अवाम पर ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। माहरीन की शदीद तनकीद, इस खबर की तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। बरतानिया कोरोना वायरस के ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स शुरू करने वाला पहला मुल्क बन गया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से ह्यूमन चैलेंज ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद माहरीन को 18 से 30 साल के 90 सेहतमंद रज़ाकारों की तलाश है। ट्रायल्स के दौरान 90 सेहतमंद रज़ाकारों को कोरोना वायरस की मामूली मकदार से दानिस्ता मुतासर किया जाएगा, जिसके बाद वायरस के खिलाफ जिस्म के मुदाफती रद्द अमल और वायरस के अपने मुदाफती निज़ाम का जायज़ा लिया जाएगा। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स में आमतौर पर रज़ाकारों को किसी वायरस से मुतासर करके वैक्सीन की आजमाइश की जाती है और फिर कई माह तक इनकी निगरानी की जाती है। कुछ माहरीन की जानिब से रज़ाकारों को कोरोना वायरस से मुतासर करने के हवाले से इतराज़ात किए गए हैं और इसके अखलाकी पहलू पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि अभी कोरोना का कोई हतमी इलाज नहीं है। दूसरी जानिब ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स के हामियों का कहना है कि नौजवान और सेहतमंद अफराद में कोरोना से ज़्यादा मुतासर होने के खतरात वैसे भी कम होते हैं और इस तरह के ट्रायल्स के फवायद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे इसके इलाज में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि बरतानिया में कोरोना के वार जारी हैं और गुज़श्ता रोज़ भी कोरोना के 12,718 केसेज और 738 अमवात रिपोर्ट हुई हैं।